तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। आई होप कि ये सवाल आप कर सकते हो सभी लोग, अगर नहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो एक कहता है, एक ऑब्जेक्ट टेक एन टाइम्स इट्स मस्ट टाइम टू स्लाइड 45 इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एंगल कितना है भाई? 45 डिग्री। तो जब ब्लॉक यहाँ से ये लेंथ एल है, डिस्प्लेसमेंट एल है, और ये सरफेस यहाँ पर जो म्यू है वो म्यू यहाँ पर म्यू प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू जीरो है और यहाँ पर म्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रेस्ट से ब्लॉक चल रहा है और यहाँ से भी रेस्ट से चल रहा है। तो जब ये ब्लॉक यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, यल डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, तो टाइम लग रहा है, इस केस में टाइम T1 लग रहा है, इस केस में टाइम T2 लग रहा है। ऑब्वियसली T1 ज़्यादा बड़ा होगा T2 से, क्योंकि ये रफ सरफेस है। तो ये कह रहे हैं कि T1 जो है एन टाइम्स है T2 के, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हमें दी हुई है, तो हम सबको पता है। तो टाइम निकालने के लिए, अगर मैं एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है तो टाइम निकालने के लिए मैं एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² जनरल में लिखूँ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ एल, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो, दोनों का एक्सलेशन टाइम T² तो टाइम का एक्सप्रेशन 2L/A√ बचा, तो 2L/A√ बचा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम फॉर द टू ब्लॉक। तो दोनों ब्लॉक के लिए इतना टाइम अगर हमें हमारे पास रहना चाहिए, तो अगर इतना टाइम रहेगा 2L/A√ ये वाली चीज़, तो इससे क्या होगा? ये अब मुझे दोनों का एक्सलेशन निकालना है। तो ये जो ये पहला जो केस केस फर्स्ट है, जहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर म्यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो एक्सलेशन होता है वो होता है G sin θ और -μ cos θ। आई होप कि आपको पता होगा। और केस टू जो है, दूसरा वाला जो ब्लॉक है जहाँ म्यू जीरो है, तो वहाँ पर एक्सलेशन G sin θ होता है। आई होप कि आपको इतनी फिजिक्स आती होगी, ठीक है। तो अगर नहीं आती है तो यार देखो, डिराइव कर लो। फिर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर नहीं आती है। अरे भाई देखो, क्यों नहीं आती, याद कर लो इसको यार, नीट की तैयारी करो, अब JEE की तैयारी करो। नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है ना, MG sin θ नीचे लगेगी, क्योंकि MG का कंपोनेंट, और MG का एक कंपोनेंट MG, क्या कर दिया यार मैं, यहाँ से देखोगे बच्चों, ओ सॉरी यार, MG का एक कंपोनेंट कभी कभी हो जाता है। तो ये MG का एक कंपोनेंट MG cos θ इधर लगेगा, जो कि MG सीधी आ रही थी ऐसे, और MG sin θ इधर लगेगा, इसको रोकेगा इधर से काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आ रहा नीचे स्लाइड कर रहा। तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती है? नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? MG sin θ और माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक, तो फ्रिक्शन काइनेटिक डिवाइडेड बाई मास। इसका मतलब ये हुआ कि MG sin θ -μn, दैट इज यहाँ से मास m। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पे, तो MG sin θ और -μ MG cos θ यहाँ से, और डिवाइडेड बाई मास m, तो कुल मिला के एक्सलेशन आ जाएगा G sin θ -μ cos θ। ये क्या है भाई? एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर म्यू जीरो है तो जी। अब टाइम वाले इक्वेशन में इसका मैं यूज कर देता हूँ, सिंस दिया हुआ था यहाँ कि टाइम कितना लगता है भाई। रफ सरफेस पे टाइम ज़्यादा लगता है T1, और वो एन टाइम्स T2 लगता है। तो टाइम इज इक्वल टू 2L और एक्सलेशन, जी की वैल्यू 10, और ये sin 45 -μ cos 45, और ये √, और यहाँ से एन टाइम्स 2L इज इक्वल टू यहाँ से जी की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 10, G sin 2L, और यहाँ से जी की वैल्यू 10 और sin 45, और ये सब कुछ √, दोनों साइन स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से 2L और यहाँ से 10 और 1/√2 यहाँ से -μ times √2, और यहाँ एन स्क्वायर बचा, और यहाँ 2L और 10 1/√2, ठीक है। तो ये देखो कौन किसको काट दिया, 2L ने 2L को काट दिया, 10 ने 10 को काट दिया, और इधर बचा, तुम देखोगे √2 ऊपर चला गया, 1 - μ बचा इधर, इधर बचा एन स्क्वायर और √2 ऊपर चला गया, तो √2 हुआ है, इधर आया 1 - n² 1 - μ।
दिस इज द ये एक्सप्रेशन बचा, हमें चाहिए यार म्यू, तो म्यू चाहिए तो वन माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर म्यू, तो यहाँ से एन स्क्वायर म्यू इधर बचा और एन स्क्वायर माइनस वन इधर बचा, मतलब म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वन माइनस वन अपन एन स्क्वायर, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो इतनी अपना म्यू होना चाहिए, मतलब ये देखोगे तो कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर गया, तो वन माइनस एन स्क्वायर दैट इज ए ऑप्शन अपना मैच कर गया, बाकी सारे गलत हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।